सो हे गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हमारे पास है ओप्पो की K10, जिसके बारे में आपने सुना होगा। रिसेंटली लॉन्च हुई है ये स्मार्टफोन और काफी ज्यादा तालका मचा रही है मार्केट में। वैसे बहुत सारे लोग इसे लेने की सोच रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसे ले लिया है, और उसी लिए हुए लोगों में से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वाली ओप्पो K10 की रिव्यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस फोन को चला के, और मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, साथ में बाकी सारी चीजें जो कि इस स्मार्टफोन के बारे में मेरे को कुछ अच्छी बातें लगी और कुछ बुरी बातें लगी, उन सभी बातों को भी ध्यान देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कैसे हम ना फोन डिजाइन से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इसकी डिजाइन कैसी और लोगों को कैसी लगी, साथ ही मुझे कैसी लगी। देखो यार, पहली बात अगर मेरे से पूछो ना इसकी डिजाइन के बारे में, तो काफी अच्छा सा डिजाइन है। पंच होल कैमरा जो कि मेरे को काफी अच्छा सा लगा, क्योंकि अभी फिलहाल हर किसी में तो नॉच ही आ रही है यार, पर हाँ अभी हर कुछ चेंज हो रहा है तो पंच होल काफी ट्रेंड में चल रहा है। अभी अगर इस पंच होल को देखो तो काफी सही से लग रहा है। बट अगर इसकी बैक के बारे में बात करें गाइस, तो इसके बैक में ना आपको बहुत सिमिलर सी लुक मिलेगी। आपने रेडमी 9i को देखा होगा, सेम टू सेम वैसे ही है। अगर इस स्मार्टफोन के बारे में बात करें ना, तो ये लगता है भाई OnePlus Nord की कॉपी है, क्योंकि आप इसकी डिजाइन देख सकते हो। ये कंपनियां साथ ही में लगता है कुछ गड़बड़ी उड़बड़ी कर रही है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, बट हाँ ये सभी स्मार्टफोन बहुत ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, लगता है भाई साथ ही में। और साथ ही में इसका जो चौड़ा वाला बेजल है ना भाई, वो जो पीछे में दिख रहा है आपको, वो भाई मेरे को लग रहा है पोको से कॉपी किया गया है, क्योंकि आपने पोको स्मार्टफोन में ऐसा देखा होगा। तो अगर बात करें इस फोन के डिजाइन के बारे में, तो हाँ यार इसका जो डिजाइन है ना काफी सही सा लग रहा है मेरे को, तो स्पेशली काफी सही सा लगा इस फोन में। इसकी डिजाइन मेरे को काफी अच्छी लगी, बट इसकी जो बैक प्लास्टिक की है वो मेरे को अच्छी, क्योंकि अगर उसके बैक पे अगर आप थोड़े से भी स्क्रैचेस मारोगे ना तो आराम से पड़ जाएगी, क्योंकि वो प्लास्टिक की है और वो ज्यादा खुरदरा सा नहीं है, एकदम नॉर्मल सा खुरदरा है। अगर खुरदरा करना ही था तो कुछ ज्यादा कर देना भाई, इसमें इतना ज्यादा खुरदरा बहुत कम है, मतलब आप थोड़ी सी स्क्रैच मारोगे तो आराम से लग जाएगी, ऐसी इसकी बैक है। नाउ हम बात कर लें इसके डिस्प्ले के बारे में। 19Hz का डिस्प्ले है, 6.59 इंच की है, जो कि काफी बड़ी सी है, साथ ही में काफी स्मूथनेस भी है और काफी स्मूथ सा चलेगा अगर आप इसको यूज करोगे तो। मतलब इस पे आप उंगली को ना बहुत आसानी से घुमा सकते हो लिटरली में, क्योंकि काफी अच्छी लगी मेरे को। इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने के लिए मिलता है, जो कि मेरे को बुरी बात लगी, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत 15,000 के आसपास है, 15,500 मान सकते हो, और इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, जबकि रेडमी के स्मार्टफोन में आपको मिल जाते हैं एमोलेड डिस्प्ले 15,000 पे जाने के बाद। तो अगर ओप्पो को देखा जाए तो भाई एमोलेड देना चाहिए था, बट हाँ कोई नहीं, इसमें आपको 19Hz की डिस्प्ले मिलती है, IPS है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले काफी सही है। लगे हाथ हम बैटरी की बात करें, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी बैकअप मिलती है, जो कि हाँ लिटरली में काफी देर तक चलती है, मतलब आप एक दिन या फिर हाँ एक दिन आप आराम से यूज कर सकते हो। अगर आपको हैवी यूज करना है, साथ में नॉर्मल यूज करना है, तो एक दिन काफी इसके लिए। और अगर आप गेमिंग करोगे तो वही कुछ 7 से 8 घंटे नॉर्मल है भाई, क्योंकि इसमें आपको 19Hz की डिस्प्ले मिलती है, जिसके जरिए काफी ज्यादा स्मूथनेस चलेगा आपकी गेमिंग, और गेमिंग में आपको काफी तगड़ा सा परफॉर्मेंस मिलेगा और आपकी बैटरी भी उसी हिसाब से जाएगी। नाउ बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है एक स्मार्टफोन के लिए। तो गाइस चलिए इसके परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। गाइस इसमें सेटिंग खोलते ही आपको दिखेगा 680 स्नैपड्रैगन, ओहो काफी सही सा है, मेरे को तो काफी अच्छा सा लगा, मुझे आपका नहीं पता बट हां मेरे को तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि भाई शुरू में ही दिख रहा है काफी तगड़ा सा लग रहा है 680 स्नैपड्रैगन Qualcomm की, बहुत सही भाई। मतलब गेमिंग में कह सकते हो आपको लैग नहीं मिलेगी, आप एक डिसेंट सा गेमिंग कर सकते हो इसमें, एक हैवी लेवल का गेमिंग तो नहीं कर सकते बट इसमें एक डिसेंट गेमिंग कर सकते हो। बाकी आप इसमें देख सकते हो 128GB स्टोरेज है, काफी सही सा है मेरे को तो ये, इसका सेटिंग में काफी सही सी लगी चीज है। चलिए अब गाइस बढ़ते हैं इसके कैमरा की ओर। तो कैसे कैमरा के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, इसके बैक में जो कैमरा गाइस वो है 50MP की कैमरा, और साथ ही में इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें कि एक कैमरा जो है ना गाइस वो नहीं दिख रहा है, मेरे को भी पता है, क्योंकि गाइस वो बहुत छोटी सी है, वो 2MP की जो है वो डेप्थ सेंसर है, साथ में आपको 2MP की मैक्रो सेंसर भी मिलती है। बट आप इस कैमरा को देखो, कोई बोलेगा ये 2MP की है, बोलेंगे भाई ये 12 से 13 MP की हो सकती है, तो बड़ी बड़ी है और काफी सही सी है, मतलब 2MP की मैक्रो सेंसर है और 2MP की डेप्थ सेंसर। डेप्थ सेंसर का मेरे को नहीं पता, पर मैक्रो सेंसर इसकी मेरे को लगता है बहुत काम करने वाली है। 50MP का जो है इसका गाइस प्राइमरी कैमरा, वो काफी जबरदस्त सा है, इसमें आपको बहुत डिसेंट सी क्वालिटी मिलती है, लाइक आप एक आईफोन टाइप से फोटो खींच सकते हो, थोड़ी सी आपको रेगिस्तान वाली फीलिंग आएगी फोटो खींचते वक्त, बट हाँ काफी सही सा फोटो वाला है इसमें। अगर हम सेल्फी के बारे में बात करें, तो इसमें आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा, पंच होल कैमरा काफी सेक्सी लगता है देखने में भाई, जो बोलूं मैं झूठ क्यों बोलूंगा तो गाइस मैं बोलूं इसके इसके 16MP कैमरा के बारे में बात करूं ना, तो बहुत तगड़ा सा लगता है। अगर मैं बात करूं पर्सनली अपनी, तो इसमें भी फ्रंट में भी आपको आईफोन लुक थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा, साथ ही अगर मैं इसके पोर्ट्रेट के बारे में बात करूं फ्रंट के, तो काफी तगड़ा सा तो है। साथ में एक दिक्कत इसमें यह है ना कि आपकी थोड़ी सी साइज एज जो होती है ना, कोई भी अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचोगे तो उसमें एज होती है एक, लाइक आपकी फेस के थोड़े से साइड से ना एक निकलती है, जिसमें ये थोड़ी सी ब्लर कर दी मेरे को, और इसने मैं जो मुझे इसने मुझे ब्लर किया और मुझे थोड़ा बुरा लगा तो कैसे मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो ब्लर है ना ये थोड़ी सी अजीब सी थी, वैसे मैंने लाइट थोड़ी कम थी जहां पे मैंने फोटो खींचा था, बट फिर भी ये काफी तगड़ी सी मेरे को फोटो निकाल के दिया है। बात करें कुछ फोटो मतलब जो कि मैंने लिए हैं अपने बैक कैमरा से, जो कि 50MP के प्राइमरी कैमरा से, वो भी आप देख सकते हो। इसमें भी आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है, साथ ही वीडियो मोड मिलता है, और साथ ही में एक फोटो मोड मिलता है, और एक नाइट मोड जो कि मेरे को काफी ओपी से लगा, जो कि इसमें नया ऐड किया गया, तो ये भी काफी तगड़ा सा। अगर
बात करें इसमें तो आपको 1x, 2x और 3x मिलता है। इसमें आपको वाइड एंगल नहीं मिलते गाइस। पता नहीं क्यों अगर 15,000 के स्मार्टफोन में एक वाइड एंगल नहीं मिलना बहुत ही डिसएडवांटेज वाली बात है, क्योंकि अभी अगर देखो इस प्राइस सेगमेंट पे बहुत सारे इसके कंपटीटर्स हैं जिसमें वाइड एंगल, साथ ही एमोलेड डिस्प्ले और भी बहुत सारी चीज देखने के लिए मिलती है, बट इसमें नहीं है। सभी चीजों को दूर रखता हूं, एमोलेड डिस्प्ले को दूर रखता हूं, बट इसमें कहा जा रहा है इसकी 50 मेगापिक्सल की जो कैमरा है ना वो थोड़ी सी वाइड है, मुझे कहीं नहीं दिखी। और अगर हम वीडियो की बात करें तो इसमें आपको वीडियो भी फ्रंट में बना सकते हो और साथ ही बैक में बना सकते हो। बैक में आप 1080p 30fps में वीडियो बना सकते हो, साथ ही आप फ्रंट में भी सेम क्वालिटी में वीडियो बना सकते हो। एंड अगर हम बात कर लें फ्रंट की वीडियो की तो आप देख सकते हो गाइस। इस वीडियो में ना मैं अपने चेहरे के बारे में बताऊं तो मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है, ये जो नॉर्मल जो है रॉ फोटो है, ये आपको रॉ फुटेज मिल रही है उस वाले कैमरा से। ये फ्रंट की कैमरा 16 मेगापिक्सल की जिससे मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं। बाकी सब कुछ के बारे में बात करें इसमें वही जैक मिलती है, वही आपको स्पीकर लाउडली मिलेगी, स्टीरियो टाइप से तो नहीं है इसमें, बट हाँ नॉर्मल स्पीकर है जो कि हर एक स्मार्टफोन में होती है। काफी सही सा स्मार्टफोन मेरे को लगा भाई, हाथ में भी काफी हल्का सा लगा। वेल इसके दो वेरियंट है, एक 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, एक है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। आपको 128GB इंटरनल मिलेगी ही मिलेगी आप हंस के लो या फिर रो के लो, आपको लेनी पड़ेगी। नाउ बात करें हम 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के बारे में, उसकी प्राइस कितनी पड़ेगी, तो भाई उसकी प्राइस है कुछ 14,990 रुपए यानी कि 15,000 जैसे मैंने शुरू में कहा था। और अगर 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस पड़ेगी आपको 16,999 रुपए, ऑलमोस्ट 17,000, मतलब 17,000 ही होगा। और 8GB रैम जो है भाई वो तो मैं बोलूंगा कि बहुत सारे लोग स्किप करने वाले हैं क्योंकि वो 17,000 पे जा रही है, तो मेरे को लगता है लोग इसमें रियलमी या रेडमी लेंगे क्योंकि उसमें आपको 5GB मिलती है और इसमें आपको 5GB नहीं मिलती है। वैसे 5G होना ना होना मेरे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ थोड़ी सी भाई होती है ना कि मेरे पास 5G, मैं थोड़ा अक्कड़ में चलूंगा भाई मेरे पास तो 5G है तेरे पास है क्या। तो गाइस अभी वीडियो में बस इतना, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।